आईपीएल में पैसा लगा रहे हैं और देखो भाई ये मैच खेल रहे हैं और अभी ये पैसे भी लगाएंगे कि 10 रुपए को 100 का बनवाऊंगा और 100 रुपए को 1000। दोस्तों स्वागत है आपका आज के एक और न्यू व्लॉग में। और तो अभी अपन चल रहे थे कहाँ, आज मौसम थोड़ा कैड़ा सा हो गया था एकदम से। ये भाई आंधी बांधी आ रही है, कैड़े का मतलब बिगड़ गया था गाइस। आज तूफान आने वाला है। ओ ओ ओ, अरे यार शिट, वो काफी दूर है मैंने। और देख रहा गाड़ी कैसे बहक रही है। हाँ तो मैंने एक जगह ना आम के पेड़ देखे थे, लेकिन यार फिर मेरे को याद आया कि वो जगह 90 किलोमीटर दूर है। तो वाइजर लगा हुआ के बावजूद भी अंदर मिट्टी आ रही है, धुआं हो रहा है पूरा। अरे भाई ओ भाई, ये भाई धूल देखो भाई। हेलमेट के अंदर वाइजर लगा रखा हूँ पूरे हेलमेट का, और फिर भाई धूल जो है ना बहुत भयंकर अंदर जा रही है। घर से निकलते ही मैंने थोड़ी मेहनत कर ली थी, तीन बार उधर गया मैं घर में अपने, 2 फ्लोर चढ़े 3 बार। और भाई मेरे वहाँ निकल आया पसीना, और अब पसीना सूखने का नाम नहीं ले रहा है। और वाइजर भी खोल के मैं हवा नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि धूल इतनी ज़्यादा उड़ रही है कि वाइजर ही बंद करना पड़ रहा है भाई। फिर कब दिया वाइजर बंद, पसीना कंटिन्यू निकल रहा भाई। गर्मी में यही सीन है भाई, आसान नहीं होता दोस्तों मोटर व्लॉगिंग करना। दोस्तों समझ गए दोस्तों, कितना मुश्किल होता है दोस्तों। तू समझा नहीं। धूल देखो भाई, ये पूरा ओपन एरिया पड़ा है ना। ओ भाई सामने ऐसा धुआं हो रखा है पूरा। गाइस अपन ज्यादा स्पीड में नहीं चला रहे हैं गाड़ी, क्योंकि पीछे के ब्रेक थोड़े चेंज कराने हैं। उसके शू घिस गए हैं, ब्रेक शू घिस गए हैं। दैट्स व्हाई कि वो ब्रेक थोड़ी कम रखती है, और आगे की ब्रेक भाई एकदम लपट है भाई। लपट से मेरा मतलब कि भाई गिरा देती है, स्किड हो जाती है तुरंत ही। और गाइस मैं अभी अपने पुराने एक्सीडेंट से उभर नहीं पाया हूँ, अभी भी मैं अफसोस में हूँ। मुझे बहुत ही गहरी चोट लगी है। हाँ दोस्तों अंदरूनी चोट लगी है, खैर कोई बात नहीं। अपन फटाक से अपन निकल लेते हैं यहाँ से, और सामने खड़ी है भाई लाइटजर। 2 मिनट की आंधी से देखो कैसे वो हो गया पूरे में धुआं, मिट्टी। और भाई अभी अपन आ रखे हैं गोले के मंदिर पे, और गोले के मंदिर पे आते मुझे याद आया भाई कि कल ना ये किसी ने भाला तोड़ दिया। जो सामने महाराणा प्रताप है, कोई मुस्लिम था जिसने महाराणा प्रताप का भाला तोड़ दिया। उसने ना ये एक मुस्लिम था, उसने ना ये महाराणा प्रताप, सामने आपको स्टैचू अगर दिख रहा है तो भाई उनने ना उस लैंडर ने ना स्टैचू तोड़ दिया था भाई। उनका जो भाला है ना वो तोड़ दिया। ये देखो भाई ये तोड़ दिया भाला, उनके हाथ में ये भाला पकड़े थे और उस चूतिए ने भाला तोड़ दिया भाई। फिर ना उसको झूरा भी अच्छे से लोगों ने, मुझे नहीं पता था। अगर मैं मतलब मेरे को बाद में पता लगा कि भाला टूट गया है भाई, अगर मैं पहले आया था ना उठा के आदमी उसको अपने एरिया में ले आता भाई, अपने मेरे एरिया में ना भाई लौंडे बहुत मारते उसको भाई। क्योंकि मेरा पूरा एरिया ना भाई वो है हिंदुओं का, वहाँ पे प्रॉपर हिंदू है, एक भी मुस्लिम नहीं है, सारे के सारे कट्टर। प्रॉपर मेरा भाई छत्रियों का इलाका है, पूरा टोटल छत्री भाई। जामने ना देते भाई, रेल से होना था मतलब भाई, इतना मारते उसको ले जाके वहाँ पे, किसी ने सोची ना होगी। मेरे को जरा जाना था हॉस्पिटल। जी हाँ ये है बिरला हॉस्पिटल, गाड़ी पार्किंग में ठांसनी पड़ेगी भाई। अच्छा तो भाई पार्किंग में लगाते हैं, बढ़िया पैसा देते हैं इनको पैसा। वो पूछा कि कैमरा है, मैंने मुंडी ला दी, हालांकि मैंने उनसे बात नहीं की, बात कर लेता थोड़ा तो ठीक रहता। इन्होंने इच्छा से पूछी थी पर कोई बात नहीं, मैंने उनसे बात नहीं की। चलते भाई ये देखो भाई इसमें मैच खेल रहे हैं, और अभी ये पैसे भी लगाएंगे। कितने लगाए? 1000 रुपया। मेरे भी 10 को यार 100 का कर दो यार। तो गाइस अभी अपन जस्ट ये आईपीएल में पैसा लगा रहे हैं, और ये अभी मेरे भी अपने 10 रुपए को 100 का बनवाऊंगा और 100 रुपए को 1000, और गाइस 1000 को 1 लाख, ऐसे करके अपन करोड़पति बन जाएंगे। नई स्पोर्ट्स बाइक जी वैगन, नहीं गाइस जी वैगन नहीं, सबसे पहले अपन सुपर बाइक खरीदेंगे गाइस। नहीं उसके लिए अपने को फिर ना एडवेंचर बाइक खरीदनी पड़ेगी, तो उसकी चेसी अड़े आएगी ना पहाड़ों में, तो वहाँ पे एक नई एडवेंचर बाइक खरीद लेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऑन कैमरा ऐसी बातें नहीं करेंगे अपन भाई। सबसे पहले थोड़ा मारेंगे भाई सूरज भैया, ये गाइस देख लो बम लगाएंगे गाइस। अगर कोई इस वीडियो के थ्रू अगर पुलिस मेरे को पकड़ती है तो भाई ये मैं सूरज भैया, इनका नंबर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ।
यार बैठ जा शाम पकड़ के। यहाँ पे लड़ाई हो रही है थोड़ी, लड़ाई देख कहते ना लड़ाई हो रही है भैया, लड़ाई हो रही है। लड़ाई हो रही है, बैठ के लड़ाई देखता हूँ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है गाइस, लड़ाई हो गई है। लेकिन यार ये पर गाइस तलाक, तलाक की बात हो रही है भाई, तलाक हो रही है भाई। वो है वो पारिवारिक लड़ाई है। तो भाई चलते हैं अपन। तो भाई चलते हैं यहाँ से, फिर हो चुके थे अपन। और भाई अभी जस्ट अभी अपने भाई का सच में कॉल आया, और भाई ने ना एकदम से ना सपना दे दिया थोड़ा सा, मतलब क्या बहुत क्या सपना दे दिया भाई। कह रहा कि धर्म के ऊपर वीडियो बनाएगा भाई, उसकी वीडियो आएगी डाउन। और जस्ट मैंने अभी अपना चैनल खोल के देखा, तो भाई वीडियो तो कुछ खास अलग नहीं चल रही है, बट मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था भाई, और 60 मिनट में भाई उसको जीरो व्यूज भाई, जीरो। तो भाई ये चोट हो गई है। अगर ये अगर भाई हकीकत में रीच डाउन होती है तो भाई बहुत ही ज़्यादा गलत सीन हो गया भाई मेरे साथ में। गलत सीन नहीं था, मेरा तो चैनल के साथ में हो गया है। और यूट्यूब वालों अगर तुम ऐसा करते हो तो यार मत करो यार, अगर ऐसा छोटे क्रिएटर्स के साथ में मत मत ही करो यार, करना है तो भाई बड़े क्रिएटर्स के साथ में करो। दुर्भाग्य हुआ उसके ऊपर ना ना यार, उस पर उसके चैनल पर जाने कुछ रीच गिरा यार, हमारी को गिरा रहा है उसकी वीडियो तो बढ़िया मिलियंस में छाप रहे हो, बट यार हमारे साथ ऐसा न्याय क्यों यूट्यूब क्यों? ऐसा मत करो मेरी जान। और ये लाल बच्ची आगे पीछे कैमरा है, ओके अपने को सिग्नल पे रोकना पड़ेगा भाई। ये जो लोग खड़े हैं ना, ये लोग खड़े हैं ना भाई, ये सिग्नल तोड़े खड़े हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये देखो ये है ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। ठीक है तो भाई ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग भाई, और ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो क्रॉस कर रहा है इसका मतलब आप सिग्नल तोड़ चुके हो। वो देखो भाई तो अपना अलग ही रोले में है। हाँ तो भाई अगर आप ये वाली येलो लाइन क्रॉस करते ना, इसका मतलब आपने सिग्नल ऑलरेडी तोड़ दिया, तो वो करने का कोई फायदा नहीं है कि आप कोई खड़े हो, सिग्नल तो आप तोड़ ही चुके हो। सच्चा कि आप तो निकल जाए पर नहीं भाई, लोगों को करना है येलो लाइन से आगे रखना है, बट सिग्नल फॉलो करना है। ये सिग्नल तोड़ चुके हो, अगर वो कैमरे ने नोटिस किया गया होगा तो आपका चालान आएगा, जरूर आएगा भाई। ये भाई झंडा कोई लटका गया उसमें राजपूताना का भाई, इस पर कल किसी ने भाई हमला किया था ये मूर्ति पे, देख लो भाई कसम भाई बढ़िया भर के तेला गया होगा वो। तो चलते भाई अपने सचिन से भाई से मिलते हैं, और उससे बोलते कि ये दुख भरी खबर मत ही सुनाएगा भाई, ऐसा मेरा कलेजा फट के हाथ में आ रहा है इतनी देर से। फिर से भाई थंबनेल को चेंज करना पड़ेगा, उसमें जो भाई ने बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कुछ उन पर काम करना पड़ेगा दोबारा से भाई। तो भाई अभी चल रहा है अपन घर, और आज की वीडियो रोक देते हैं यहीं पर, और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नए ब्लॉग में।